गुड मॉर्निंग बच्चों, आज सैटरडे है 18/4/2020। कल फ्राइडे था तो हमने आपको ग्रामर का पहला लेसन पढ़ाया था, वर्ण और शब्द। हमने आपको बताया था वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। इसके बारे में आपको बताया था और आज हम आपको शब्द के बारे में बताएंगे। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्द उसे कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो, जैसे घ र घर, फ ल फल, प ढ पढ़, ब स बस आदि। इस प्रकार शब्द कहलाने के लिए वर्णों का समूह में होना। अगर सिर्फ एक वर्ण होगा तो उससे हम कोई शब्द नहीं बना सकते, इसलिए उसमें वर्णों का समूह होना। जैसे अ आ से लेके पूरे ज्ञ तक का जो भी वर्ण समूह है, स्वर और व्यंजन, इसका होना बहुत ज़रूरी है। और नंबर दो, उसका सही अर्थ होना। अगर उस वर्णों का सही अर्थ नहीं होगा तो उनके सही शब्द नहीं बनेंगे। अगर किसी शब्द का सही अर्थ ना हो तो वह शब्द गलत होगा। जैसे जब हम सही लिखते हैं तो हम पढ़ते हैं फ जोड़ ल बराबर फ ल फल। यदि हम इस वर्ण को उल्टा कर देंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे ल जोड़ फ बराबर ल फ लफ, तो यह शब्द गलत है, यह गलत होगा, इसका कोई अर्थ नहीं होता। अब यह चैप्टर आपका पूरा हो गया है, तो इसमें से दो क्वेश्चन और आंसर हमने आप के लिए लिख के रखे हैं, वो हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? आंसर, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, नंबर वन स्वर और नंबर टू व्यंजन। दूसरा क्वेश्चन है, शब्द किसे कहते हैं? उत्तर, वर्णों के सही मेल को शब्द कहते हैं। जैसे घ जोड़ र घ बराबर घ र घर, फ जोड़ ल बराबर फ ल फल, ब जोड़ स बराबर ब स बस आदि। इस प्रकार यह दोनों आपके क्वेश्चन और आंसर हो गए। आप इनको याद करिएगा, फिर जब अगले फ्राइडे और सैटरडे को हम आपको ग्रामर पढ़ाएंगे तब फिर आगे और समझाएंगे। थैंक यू।